2200 रुपये में दे देगा। तो यहाँ प्रॉफिट और मार्जिन तो है लोगों का, मगर बार्गेनिंग का मार्जिन भी है, यहाँ कोई फिक्स प्राइस नहीं है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड जरूर करूँगा करीमाबाद के मार्केट आएँ कपड़ों के वाले से, और यहाँ के आप चीज़ें लाजमी खरीदें। साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो करीमाबाद है यहाँ बताने वाले हैं, इनके पास बच्चियों की क्लिप्स, पोनियाँ, बच्चों छोटे बच्चों की बैग और मोज़े काफ़ी सस्ते दामों में, अच्छे दामों में मिलते हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ आपको कराची की करीमाबाद की मार्केट। साथ साथ बताना चाहूँगा कराची की करीमाबाद की जो वजह शोहरत है वो मेहंदी कोन के अलावा, कपड़ों के अलावा जो है वो यहाँ की जो है सामने स्पोर्ट्स के आउटलेट है। जितने भी स्पोर्ट्स के सामान हैं वो कराची की दूसरी बड़ी मार्केट है सदर बोल्टर मार्केट के बाद, जहाँ यहाँ मिलते हैं स्पोर्ट्स का सामान। और यहाँ एक बहुत ही मशहूर आउटलेट है मियाँ दाद स्पोर्ट्स के नाम से, जो कि जावेद मियाँ दाद भाई की, जावेद मियाँ दाद जो हमारे लीजेंड उनके भाई का है जो लोग बताते हैं, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो यहाँ आके परचेज करते हैं चीज़ें। तो जिसको भी स्पोर्ट्स का सामान लेना है, चाहे बैट हो, चाहे बॉल हो, चाहे पैड्स हो, चाहे हेलमेट हो, चाहे गार्ड हो, चाहे बेसबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे आपको अपना बल्ला अपने पसंद का बनवाना हो, यहाँ से आपको इजीली ऑर्डर पे हर चीज़ बन जाती है और आपको बनी बनाई भी मिल जाती है। चाहे स्विमिंग का कॉस्ट्यूम हो, चाहे स्प्लैश डे का कॉस्ट्यूम हो, आपको हर चीज़ मिल जाती है कराची के करीमाबाद से, जो कि अच्छी चीज़ है, खुश आइन बात है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। और यहाँ इसके साथ साथ जो है वो स्टेशनरी के आइटम होल सेल रेट पर मिलते हैं, स्टेशनरी है, कन्फेक्शनरी है, ग्रॉसरी है। तो कराची के करीमाबाद की वजह शोहरत मैंने आपको बताई मेहंदी, कपड़े और जो स्पोर्ट्स का सामान है वो। अब बात करते हैं हम आगे, अगर बात करें हम कराची के करीमाबाद की वजह शोहरत की, तो मेहंदी के बाद आता है कपड़े, कपड़ों के बाद आता है यहाँ स्पोर्ट्स का सामान जो आप सामने देख रहे हैं। इसके अलावा कराची की ये दूसरी बड़ी मार्केट है प्रिंटिंग की, पैनाफ्लेक्स की और स्टैम्प्स की। यहाँ आपको इजीली अर्जेंट बेसिस पे चीज़ें मिल जाती हैं 24/7। यहाँ लोग बैठे हुए काम कर रहे होते हैं, आप यहाँ आएँ काम करवाएँ और इजीली आपको यहाँ तरीके से काम करते हुए नज़र आएंगी चीज़ें। तो कराची की दूसरी बड़ी मार्केट प्रिंटिंग की जो है कराची की करीमाबाद की है। वजह शोहरत इसकी जो है वो ये है कि आपको प्रिंटिंग का काम बड़ा अच्छा मिलेगा, प्रिंटआउट का काम बड़ा अच्छा मिलेगा, पैनाफ्लेक्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, मैप्स हो, यहाँ आपके पास जो है वो टाइपिंग हो, चाहे CV मेकिंग हो, चाहे NTS के हवाले से कोई चीज़ें फिल करवानी हो, चाहे आपको अपना ब्लॉक प्रिंटिंग करवानी हो, चाहे तकिए पे प्रिंटिंग करवानी हो, चाहे किचन में कुछ लिखवाना हो, किचन पे नाम लिखवाना हो, किचन में तस्वीर बनवानी हो, चाहे आपको जो है अपना पिक्चर निकलवानी हो, तो कराची के करीमाबाद में काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे हर चीज़ हो जाती है। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा प्रिंटिंग, प्रिंट आउट और बाकी चीज़ों के हवाले से। कराची के करीमाबाद की अगर मैं बात करूँ वजह शोहरत की, तो मेहंदी है हो गई, कपड़े हो गए, यहाँ का जो है स्पोर्ट्स का सामान हो गया, यहाँ प्रिंटिंग पैनाफ्लेक्स की बात हो गई, यहाँ बात हो गई स्टेशनरी की। स्टेशनरी में आपके अच्छे होते हैं वाइट बोर्ड्स, आपके होते हैं चॉक्स, आपके होते हैं डस्टर, या आपके होते हैं परमानेंट मार्कर, यहाँ के परमानेंट मार्कर के अलावा टेम्प्रेरी मार्कर होते हैं, इसके अलावा रबर, पेंसिल, पॉइंटर, कलर्स, डिफरेंट टाइप के कलर्स और अपना वॉलपेपर, और उसके अलावा जो है चार्ट, कार्ड, बुक्स, आपके जो बच्चों के बुक्स होती है, चाहे प्लास्टिक कोटिंग होनी हो, सब यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस मिलती है, बार्गेनिंग करके आप इजीली यहाँ चीज़ें करवा सकते हैं। तो स्टेशनरी हो गया, और स्टेशनरी के अलावा स्टेशनरी हर आइटम आपको होल सेल रेट पे यहाँ मिल जाता है। अगर आप थोक से हिसाब से लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रेट पे यहाँ चीज़ें मिल जाएंगी, आप इजीली बार्गेनिंग कर सकेंगे कराची के करीमाबाद पे। कराची के करीमाबाद जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बन रहा अंडर पास, और उसकी आपको बता रहा हूँ वजह शोहरत। कराची के की वजह शोहरत करीमाबाद की मैंने आपको बताई कि यहाँ मेहंदी है, यहाँ कपड़ों का मामला है, यहाँ स्पोर्ट्स का मामला है, यहाँ पेंटिंग पैनाफ्लेक्स का मामला है और यहाँ स्टेशनरी का मामला है। 5 चीज़ें मैंने आपको बताई उसकी वजह शोहरत। आगे मैं आपको और बताता हूँ इसकी वजह शोहरत। वजह शोहरत की जो छठी है वो ये है कि कराची की दूसरी बड़ी दुपट्टा गली जो है वो आपको मिलेगी कराची की करीमाबाद पे, सामने मीना बाज़ार है, इसके उल्टे हाथ पे जो है फैसल बाज़ार है। फैसल बाज़ार और आदिल शॉपिंग सेंटर के दरमियान पूरी पतली गली बनी है जिसे हम कहते हैं दुपट्टा गली, और जो दुपट्टा गली है यहाँ आपको हर तरह के दुपट्टे मिलेंगे, पीको होंगी, अवलाग होंगे, दुपट्टे रंगे जाएंगे, बने बनाए दुपट्टे आपको मिलेंगे, रंगे रंगाए दुपट्टे आपको मिलेंगे। अक्सर लोग मेहंदी के दुपट्टे यहाँ से लेते हैं, अक्सर लोग जो है शादी बारात के दुपट्टे लेते हैं, आजकल निकाह के दुपट्टे चल रहे होते हैं कि फलां की दुल्हन सही है, जरदारी की दुल्हन, नवाज शरीफ की दुल्हन सही है, या तन्नू वेड्स मन्नू, इस तरह के दुपट्टे आपको यहाँ मिल जाते हैं बने बनाए और आउटर भी बन जाते हैं। तो ये कराची के दूसरी बड़ी मार्केट है दुपट्टे की।